हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक एप्पल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल होता है, हम एप्पल का मॉडल कहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एप्पल के मॉडल यहाँ पे बैक से बॉटम में लिखे रहते हैं, क्लियर शब्दों में लिखा रहता है A1466, A1369, A1278, ऐसे मॉडल लिखे रहते हैं पीछे एप्पल के। यदि आपको कोई पूछे कि एप्पल का मॉडल बताओ तो आप पीछे से देख के बता सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको, लैपटॉप के बारे में, ये एप्पल का A1466 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें आपको बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। हम यदि इसको ऑन करते हैं तो हमारी मशीन ऑन नहीं हो पा रही है। हम इसमें चार्जर भी लगाते हैं, उसके बाद हम इसमें नया ही चार्जर लगाते हैं, कोई पुराना चार्जर यूज नहीं करते हैं। आप ये देखोगे हमारे चार्जर में लाइट भी आ गई है पर हमारी मशीन ऑन नहीं होती है। हम इसको ऑन कर रहे हैं पर ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें ये देखते हैं हम इसके किस चीज की प्रॉब्लम होती है। इसमें बहुत चीजें होती हैं, हमारा डीसी जैक की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पावर सेक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम होती है, तो कई चीजों से होती है। वही हम आपको खोल के दिखाएंगे कि किस चीज से प्रॉब्लम होती है और क्यों प्रॉब्लम आती है, एप्पल के लैपटॉप में मोस्टली प्रॉब्लम क्यों आती है। एप्पल के लैपटॉप में मोस्टली प्रॉब्लम इसलिए आती है कि कुछ तो लिक्विड डैमेज में हो जाता है और कुछ जब हम बेड पे रख के यूज करते हैं उसकी वजह से भी अब मोस्टली प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज एप्पल के लैपटॉप में इतनी प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं आती है। एप्पल का कोई भी मॉडल ले लो, इतनी जल्दी कोई हार्डवेयर इशू नहीं आता है। तो वही हम आपको खोल के दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, ये क्या प्रॉब्लम आई हुई है। तो हमने ये स्क्रू खोलने के बाद नॉर्मली खुल जाता है, कोई ज्यादा वो नहीं होता है। ये हम देखते हैं इसके सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हम डीसी जैक चेंज करते हैं, डीसी जैक में कि हमारे बोल्ट एंटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये आप देखोगे 16 वोल्ट एंटर हो रहे हैं हमारे मीटर से, 16 वोल्ट डीसी पे एंटर हो रहे हैं। तो इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगी, डीसी में प्रॉब्लम नहीं होगी इसके। तो आपके पास भी यदि कोई भी एप्पल का लैपटॉप हो और कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी हार्डवेयर का इशू हो, सॉफ्टवेयर का इशू हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर दिल्ली एनसीआर के नंबर वन एप्पल के लैपटॉप रिपेयर करने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पे एप्पल के लैपटॉप होके आते हैं। यदि आपके पास भी कोई भी एप्पल का लैपटॉप हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हम कैसे आपका आगे की कोई वीडियो कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद।